हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलाहाबाद हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो रिजल्ट एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो डाला था, इसमें काफ़ी अच्छे कमेंट्स रहे और आपकी काफ़ी अच्छे लाइक्स रहे। इसी से रिगार्डेड आज हम इसका वीडियो डाल रहे हैं सेकेंड, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ने कमेंट्स पूछे थे कि कमेंट किए थे कि सर जो इसका नेक्स्ट स्टेज होना है वो कब होना है। ठीक है, टाइपिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड बात की थी और बैक स्पेस का यूज़ जिसके काफ़ी भ्रम चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो जैसा कि आप लोग जानते हैं फास्ट ट्रैक का रिजल्ट आ चुका है, तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ने अपने रिव्यू शेयर किए हैं कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी चाहिए जिससे कि आप पार कर सकें। तो आज हमारा इसी से रिलेटेड वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। फ्रेंड, इस वीडियो में हमने फास्ट ट्रैक की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्वेरीज थी कि सर ज्वाइनिंग कैसे मिलती है, तो कहाँ मिलेगी, तो उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसका चलता है प्रोसेस। फ्रेंड, आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम के थ्रू भी t.me/successmiller टाइप करके जुड़ सकते हैं। आप अगर कैटेगरी सी आपने क्लियर किया है तो उससे टाइपिंग से रिलेटेड अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना चाहते हैं हमारे, तो फिर आप इस टेलीग्राम के नए ग्रुप से भी जुड़ें जो हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। फ्रेंड, पहले हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक की नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फास्ट ट्रैक के जिन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन हुए हैं उन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, ये दो प्रोसेस होनी है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में देखिए फ्रेंड, आप लोगों के जितने भी जैसे ओरिजिनल्स हैं और ट्रिपल सी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो सभी सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे। मेडिकल की बात करें तो इसमें मेडिकल में आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं होता, जस्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जाना होगा, जहाँ पर जस्ट चेकअप होगा, फुल बॉडी चेकअप होता है। उस कंडीशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि इतनी तो क्योंकि आप क्लर्क की पोस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी ग्रुप टी कैटेगरीज में बात करें तो उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। सबसे बड़ी बात जो बात हो रही थी वो ज्वाइनिंग से रिलेटेड कि आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी। देखिए फ्रेंड, इसको समझाने से पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट नोटिस था, ठीक है, उसको मैं आपको बता दूँ, यहीं पर आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर सेकेंड नंबर पॉइंट के बारे में देखें तो देख पाएंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द अलॉटमेंट जजशिप। ठीक है, तो आप लोगों को ये पहले से ही अलॉट कर दिए जाएंगे कि आपको किस जगह पे आपको ज्वाइन करना होगा या किस जगह पे आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखाना होगा। तो हु इज़ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न जजशिप बिफोर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो आपको जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा, जो लोकेशन मिलेगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे आपको बताना दिखाने होंगे सभी सर्टिफिकेट, और मेडिकल की भी वहीं पे सुविधा की जाएगी। ठीक है, द इंफॉर्मेशन विल बी रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ जज। ठीक है, तो ये देख पाएंगे आप अलॉटमेंट ऑफ जजमेंट द कैंडिडेट शैल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम भी आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या आई है। बाकी आप लोग भी अलाहाबाद हाई कोर्ट पर नज़र रखिए, साथ ही साथ हमारे चैनल्स के जितने भी अपडेट्स आए तो वो सब चीज़ें देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये थी फास्ट ट्रैक से रिलेटेड की बात। अब हम बात करते हैं जो परमानेंट वैकेंसी जिसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड, काफ़ी कमेंट्स आए कैटेगरी सी से रिलेटेड कि सर इसकी नेक्स्ट स्टेज कब होनी है, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वेरीज होती है और मानते भी हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन फ्रेंड, मैं इस वीडियो को कैटेगरी सी या फिर उसके रिलेटेड मतलब कि जो आपकी डेट एक्सपेक्टेड डेट है उससे रिलेटेड नहीं डालना चाह रहा था, क्योंकि अलाहाबाद हाई कोर्ट वाले रिक्रूटमेंट सेल से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उनको खुद ही नहीं पता होता है कि उस डेट पे कुछ होना भी है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो लास्ट 2014 के जो रिज़ल्ट आया था मई 2015 में, तो 20 डेज़ के अंदर, जैसे कि 5 मई को रिज़ल्ट आया था तो 25 मई को उसका टाइपिंग टेस्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन अब हमने जब जैसे बात करी है तो मैं आपको उसके हिसाब से बता दूं कि रिक्रूटमेंट सेल के हिसाब से 25 जून से 6 जुलाई का उन्होंने दिया है, यानी कि जून की एंड वीक्स और या और जुलाई की फर्स्ट वीक, तो ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि इस डेट तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे टाइपिंग के और विद इन उसके बाद 7 डेज़ के अंदर आपकी टाइपिंग हो जाएगी।
ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्या, आप जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक टाइपिंग करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए और अच्छी तरह से करिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। कैटेगरी डीज के बारे में बात करें तो फ्रेंड इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि आप हाईकोर्ट की वेबसाइट को देखते रहिए, ठीक है। जो हमें लगता है एक्सपेक्टेड डेट इसकी वो लगती है अगस्त की 1st वीक, इसके इस डेट तक आपके सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम्स होने के लिए कम्प्लीट स्टार्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स के कैटेगरी डीज में सिलेक्शन 1st स्टेज में हुआ है वो अपनी स्टेज 2nd की तैयारी प्रिपरेशन शुरू कर दें और वेट ना करें, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, ठीक है। तो आपके जो भी जो आपका नेक्स्ट स्टेज है वही आपकी ज्वाइनिंग के में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपको स्टेज 2 की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं बैक स्पेस प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड। तो हम इससे रिलेटेड तो देखिए, क्योंकि हमने भी लास्ट वीडियो में कुछ इससे रिलेटेड बताया था, लेकिन अब बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट का फास्ट ट्रैक के अंदर हुआ है, ठीक है, टाइपिंग्स उन्होंने भी क्लियर करी है, तो वो उन लोगों का हम क्या कहना था, ठीक है। कुछ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपने रिव्यू शेयर किए हैं, हालांकि हमने वीडियो से रिलेटेड बोला था लेकिन कुछ ऐसा रिव्यू आया नहीं। लेकिन जिन कैंडिडेट्स हैं जैसे कार्तिक सोनी जी हैं, इन्होंने रिजल्ट एनालिसिस के आप वीडियो देखेंगे या फिर जो फास्ट ट्रैक का जो वीडियो है उसमें आप देख पाएंगे, तो उन्होंने अपने बारे में बताया है जैसे कि ये FTC मुनरिज्म में सेलेक्ट हुए हैं। इनसे काफ़ी कैंडिडेट्स ने बात करी है कि जैसे इनसे पूछा गया कि आपने टाइपिंग में बैक स्पेस यूज़ किया कि नहीं किया, अगर किया था तो कितनी बार किया था, तो कार्तिक सोनी जी ने बताया है कि इन्होंने काफ़ी बार उसका बैक स्पेस का यूज़ किया है लेकिन एक्यूरेसी को 100% बना के चले हैं। डैट मीन्स कि जैसे आपका कोई वर्ड गलत हो रहा है तो बैक स्पेस का यूज़ करके उसको सही किया और फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, चलते चले गए। और आगे इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया है कि किस कितने बैक स्पेस, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अपनी टाइपिंग पर फोकस करेगा ना कि ये काउंट करेगा कि किस कितने बैक स्पेस वो यूज़ कर रहे हैं, उन्हें तुरंत करेक्ट करते जा रहे थे, ठीक है। इनके 68 OBC में मार्क्स थे, ठीक मार्क्स थे। और कार्तिक सोनी जी से क्वेश्चन फिर पूछा गया कि कॉन्टैक्ट नंबर से रिलेटेड, जो कि इन्होंने शेयर भी किया है, ठीक है। एक रही शेख जी हैं, इन्होंने इनका भी सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्टेड द FTC ग्रुप सी सूट क्लर्क में इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं कि जैसे कि हिंदी आपका पूरा हुआ था, ठीक है, बताइए, तो उसने बताया, इन्होंने बताया कि हाँ जी मेरा 8 मिनट को 2nd के अंदर हिंदी का हो गया था। इनसे और भी क्वेश्चन पूछे गए कि किस तरीके वर्ड्स आए थे, नॉर्मल थे या फिर, देखिए फ्रेंड कोई भी टाइपिंग एग्ज़ाम्स होता है चाहे किसी से भी रिलेटेड, कोशिश उनकी वही रहती है कि कोई भी स्पेशल वर्ड या स्पेशल कोर्स का यूज़ नहीं किया जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल टाइपिंग आती है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे भी इन्होंने बताया है कि योगेश जी भाई हिंदी का पैरा काफ़ी आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं थे, ठीक है, पैरा कुल मिलाकर ईजी था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपकी भी जैसे कोई क्वेरीज हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके भी इन कैंडिडेट से बात कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और इन सभी का मानना यही है कि बैक स्पेस पर ना फोकस करें, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जो बैक स्पेस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं और इसके कारण वो अपनी स्पीड को नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं। जिन कैंडिडेट की स्पीड पहले से इम्प्रूव है, ठीक है, वो अपनी वो एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए बैक स्पेस को कम यूज़ करना शुरू करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज़ ही ना करें, क्योंकि कुछ बार आप अलग अलग कंडीशंस में रखिए अपने आप को कि बाई चांस मान लीजिए कि आप काफ़ी सारे बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं और माइंड एकदम आपका क्या रिएक्ट कर रहा है, ये सारी सिचुएशंस में आपको रख के सीखना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप टाइपिंग के वक्त एक्यूरेसी पे ही था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अनुमान बताया है कि 40 से 50 लोग बैक स्पेस यूज़ किए थे और इनके 70 मार्क्स थे OBC में, ठीक है। तो उन्होंने सीधे से बोला कि बैक स्पेस के लिए टेंशन ना लें, तो आप जो इस चीज़ से समझ पा रहे होंगे कि बैक स्पेस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप कीजिए, ठीक है, जितना कम यूज़ करना चाहे करिए, लेकिन साथ के साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए बिना टेंशन फ्री हुए करते जाइए। अब बात करते हैं टाइपिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ने टाइपिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, लेकिन जो कैंडिडेट्स अभी सोच रहे हैं कि हमें किस सॉफ्टवेयर या किस पे वर्क करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि आप techforfingers.com ये एक वेबसाइट है, ठीक है, आप यहाँ पे जाकर अपनी टाइपिंग की स्पीड को इम्प्रूव कीजिए। कई कैंडिडेट्स करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के 100%
एक्यूरेसी भी रही है ग्रुप्स के अंदर। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ग्रुप्स के बारे में बताया था, तो काफ़ी कैंडिडेट वहाँ जुड़े हैं और वो हमें रिव्यू भी डाल देते हैं कि हमारा 100% एक्यूरेसी रहा है और काफ़ी अच्छा मेल मिलाप चल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी वाली बात है कि उसमें ग्रुप में यही बातें होती हैं। ठीक है, तो 10fastfingers.com आप यूज़ कीजिए, और साथ ही साथ आप अगर जूनियर टाइप इन ट्विटर भी यूज़ कर रहे हैं तो वेरी गुड। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स ने शुरू नहीं किया है तो यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जूनियर टाइप इन ट्विटर्स के थ्रू आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा जो ब्लॉग स्पॉट है, ठीक है, आपको ब्लॉग स्पॉट के बारे में जो एक वीडियो बनाया था, ठीक है, उस वीडियो पे देख पाएंगे। जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में एक वीडियो है वो हम एंड स्क्रीन पे दे देंगे, जिससे आप वहाँ से भी आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ टाइपिंग मास्टर प्रो इंग्लिश के लिए यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ से भी आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना सीख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी इन्फॉर्मेशन पूरी जो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को शो करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू वाली स्लाइड डालना भूल गए, सॉरी फॉर डैट। ये वीडियो आपको पसंद आया हो और जिन कैंडिडेट्स की अभी भी कोई भी क्वेरीज है उन्हें कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपकी सभी क्वेरीज़ को हम रिजॉल्व कर पाएँ और भी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिलती जाएगी वो हम आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।